इक्वेट्स ऑफ डेंसिटीज रो 1, रो 2 एंड रो 3 विथ रो 1 ग्रेटर देन रो 2 एंड ग्रेटर देन रो 3, ओके, हैविंग द सम वैल्यू ऑफ द सरफेस टेंशन टी। ओके, तीनों लिक्विड की जो सरफेस टेंशन है उनकी वैल्यू सबके इक्वल है और टी के इक्वल है। राइट द सम हाइट इन द थ्री आइडेंटिकल कैपिलर्स द एंगल ऑफ द कॉन्टेक्ट थीटा 1 थीटा 2 एंड थीटा 3 ऑफ लाइफ। अपने को थीटा 1 थीटा 2 एंड थीटा 3 में आपस में रिलेशन बताना, कौन किससे बड़ा होगा और इन दोनों की जो रेंज है वो किस किसके बीच में लाई करेगी। ओके, स्टार्ट सॉल्व करते हैं। एच इक्वल 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर होता है। ओके, तो cos थीटा 1 अपॉन रो 1 इक्वल cos थीटा 2 अपॉन रो 2 इक्वल cos थीटा 3 अपॉन रो 3 होगा। ओके, रो 1 रो 2 एंड रो 3 में आपस में रिलेशन दे रखा है, तो इस रिलेशन से हम देख सकते हैं कि रो 1 रो 2 एंड रो 3 से आपस में रिलेट करके थीटा 1 थीटा 2 एंड थीटा 3 में हम रिलेशन बिठा सकते हैं। इतना बस गिवन है कि रो 1 ग्रेटर देन रो 2 ग्रेटर देन रो 3। ओके, इससे कनेक्ट करके हम थीटा 1 थीटा 2 तो cos थीटा 1 ग्रेटर देन cos थीटा 2 ग्रेटर देन cos थीटा 3 होगा। ओके, तो इसकी जो cos थीटा की वैल्यू होती है 0। ओके, तो जो थीटा होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए तभी इंक्रीजिंग होगा एंड नेगेटिव थीटा हो नहीं सकता, तो ये 0 से बड़ा होगा साथ थीटा ये इक्वल होंगे। ओके, एंड थीटा 1 जो cos थीटा का जो फंक्शन होता है cos थीटा का जो फंक्शन होता है जो फंक्शन ऑफ cos थीटा इज cos थीटा का जो फंक्शन होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। सो थीटा इज रिवर्स हो जाएगा, थीटा 2 थीटा 3 और ये पाई बाय 2 के बीच में लाई करेंगे। इसका मीनिंग अपना फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।